आज हम लोग आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे। आत्मकथा से संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग आत्मकथा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आत्मकथा का अर्थ आत्म धन कथा, यानी आत्म माने अपनी और कथा मतलब कहानी, यानी अपनी कहानी को हम आत्मकथा के नाम से जानेंगे। यानी अपनी कहानी, अपनी जुबानी जब कोई लेखक या कवि अपने जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित क्रम का जो ब्यौरा देता है, जो बोलकर या लिखकर जो रचनाएं उनके द्वारा समर्पित की जाती है, उसे हम आत्मकथा के नाम से जानते हैं। यानी आत्मकथा का हम लोग अर्थ समझ लिए। अब आत्मकथा की परिभाषा कहें तो लेखक या कवि द्वारा व्यवस्थित जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवरण ही आत्मकथा कहलाता है। आत्मकथा और संस्मरण में थोड़ा सा अंतर है। आत्मकथा में केवल अपनी ही कथा होती है, जबकि संस्मरण में अपने आस पड़ोस के समाज और परिस्थितियों का विवरण होता है, जबकि आत्मकथा में केवल अपनी ही कथा होती है। यानी आत्मकथा की परिभाषा हो गई। और आत्मकथा की पहली रचना जो है, अभी तक 400 से ऊपर अधिक कवियों लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी, लेकिन सभी रचनाओं को यहाँ पढ़ना काफी कठिन है। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं आत्मकथा की पहली रचना जो है बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्ध कथा हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन अर्ध कथा जो है वो पद में लिखी गई रचना है, इसलिए हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा के रूप में इसे मान्यता नहीं मिली। उसके बाद जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा का प्रचलन भारतेंदु युग में, सर्वप्रथम भारतेंदु हरिचंद ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से जानते हैं। भारतेंदु हरिचंद ने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसको हम कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्हीं युग के यानी भारतेंदु युग के ही एक अन्य कवि है राधाचरण गोस्वामी, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी जिसको हम मेरी संक्षिप्त जीवन चरित्र इन्होंने लिखा राधाचरण गोस्वामी ने। जबकि अंबिका दत्त व्यास ने भी आत्मकथा लिखा, जो भारतेंदु युग के ही थे, उनकी आत्मकथा को हम लोग नीच वृत्तांत के नाम से जानते हैं। यानी अंबिका दत्त व्यास ने नीच वृत्तांत नामक आत्मकथा लिखी। जबकि द्विवेदी युग में ही बहुत सारी आत्मकथा लिखी गई, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जो स्वयं इस युग के प्रवर्तक भी हैं, उन्होंने अपने पत्रिका सरस्वती पत्रिका में जो आत्मकथा लिखी उसको अधूरी कहानी के नाम से जानते हैं। अधूरी कहानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है, जिसको उन्होंने सरस्वती पत्रिका में उन्होंने बताया है। बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है उसको हम लोग अपनी खबर के नाम से जानते हैं। यानी बेचन शर्मा उग्र ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसको अपनी खबर के नाम से हम लोग जानते हैं। गुलाब राय ने भी आत्मकथा लिखी जिसको हम लोग मेरी असफलताएं, गुलाब राय ने अपनी आत्मकथा को मेरी असफलताएं नाम से लिखा। और राहुल संकृतन जो घुमक्कड़ शास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखा जिसको मेरी जीवन यात्रा के नाम से जाना है। मेरी जीवन यात्रा अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है किसकी रचना है, तो राहुल संकीर्तन की है। प्रेमचंद ने भी अपनी आत्मकथा लिखा है जिसको मेरी कहानी के नाम से जानते हैं। मेरी कहानी किसकी आत्मकथा है, तो प्रेमचंद की आत्मकथा है। जबकि यशपाल जो है, जो मार्क्सवादी लेखक रहे हैं, उनकी भी आत्मकथा है जिसको सिंहावलोकन के नाम से जानते हैं। सिंहावलोकन भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिंहावलोकन के मुख्य रचनाकार कौन है, यानी किसकी आत्मकथा है,
तो यशपाल जी की रचना है। चतुर सेन शास्त्री, इन्होंने भी आत्मकथा लिखी है जिसको यादव की परछाइयों के नाम से जानते हैं। यादव की परछाइयों के लेखक कौन है? चतुर सेन शास्त्री। हरिवंश राय बच्चन, अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में हरिवंश राय बच्चन से पूछता भी है क्या भूल। इन्होंने चार खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी, चार खंडों में इनकी आत्मकथा देखने को मिलती है, जिसमें पहला है क्या भूलू क्या भूलू क्या याद करूं, इनकी पहला खंड है क्या भूलू क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ से निर्माण तक, नीड़ से निर्माण तक इनकी दूसरी आत्मकथा से संबंधित है। और तीसरा जो है वो बसेरे से दूर, इनके तीसरा कालखंड है। और चौथा जो है दस द्वार से सोपान तक। इस तरह से हरिवंश राय बच्चन ऐसे पहले कवि है जिन्होंने अपनी आत्मकथा को चार खंडों में इन्होंने अपना आत्मकथा को लिखा, जिसको क्या भूलो क्या याद करो, नीर से निर्माण तक, बसेरे से दूर और दस द्वार से सोपान तक। जबकि वृंदालाल वर्मा ने आत्मकथा लिखी है उसको अपनी कहानी के नाम से जानते हैं। अपनी कहानी के लेखक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा। बलराज सहनी जो फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर थे, इन्होंने भी आत्मकथा लिखा जिसको मेरी फिल्मी आत्मकथा के नाम से जानते हैं। रामविलास शर्मा जी जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं, मैं क्रांतिकारी कैसे बना, यह इनकी आत्मकथा है। इस तरह से हम लोग एक बहुत ही कम समय में हिंदी साहित्य से संबंधित आत्मकथा पर जो टिप्पणी पूछी जाती है, अक्सर हम लोग टिप्पणी में सब्जेक्टिव पेपर में इसको हम लोग लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।